अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, न्यूज टुडे में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू एंड लेटेस्ट वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। वेलकम बैक व्यूअर्स, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ऑफ द रिकॉर्ड प्रोग्राम के होस्ट काशिफ अब्बासी और फैसल वाउडा के दरमियान एक मुकालमा। काशिफ अब्बासी ने फैसल वाउडा से ये सवाल किया कि ऐसा क्यों है कि अपोजिशन के मेंबर्स को तो नैब तलब करती है मगर हुकूमत के मेंबर्स को किसी भी केस के अंदर नैब तलब नहीं करती, इसका क्या मतलब है और क्या मकसद है। जिसका जवाब देते हुए फैसल वाउडा ने फरमाया कि आप 70 साल का मलबा तो नहीं ना हम पे डालेंगे, उसका हिसाब तो नहीं ना हमसे लेंगे, आप हमसे 2 साल का हिसाब लेंगे ना। हमारा आर्गुमेंट ही ये है पहला कि आप हमसे 2 साल का हिसाब लेंगे और हम आपसे 70 सालों का हिसाब लेंगे। और फैसल वाउडा ने कहा कि क्या आपका ये सवाल है कि अगर आपने बहुत बेहतरीन मुल्क छोड़ के गए थे तो क्या हम आपको नैब वापस कर दें, आप जो चाहें फिर वो जो मर्जी करें आप। क्या आपका ये आर्गुमेंट है कि आपका ये सवाल है या आप ये चाहते हैं कि ऐसा हो जाए। और मजीद फैसल वाउडा ने यह कहा कि दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर वजीर आजम इमरान खान ने 2 साल के अंदर ऐसा क्या गुनाह किया कि आप सब कह रहे हैं कि ये हुकूमत गिरा दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, इनको बाहर फेंक दो, और आप यहाँ तक सिटिंग आर्मी चीफ को मुखातिब करके कह रहे हैं कि हमारी हेल्प करो, इस गवर्नमेंट को उतारो, इस वजीर आजम को घर भेजो, और आप लोग आर्मी चीफ को मुखातिब करके ये कह रहे हैं कि ऊपर के 2 लोग हट जाए और बगावत कर दें हुकूमत के खिलाफ। ये कौन से मुल्कों में ऐसे होता है, ये कौन से मुखलिस मुल्कों में ऐसे होते हैं, ये कौन से तरक्की याफ्ता ममालिक में लोग ऐसे करते हैं क्या। फैसल वाउडा ने मजीद बात करते हुए ये कहा कि मेरे और काशिफ अब्बासी आपके बचपन से हमने यही मौलाना देखे हैं, ये आपने मजाक बनाया हुआ है, रिटायर ही नहीं हो रहे मौलाना साहब, अब वो नैनी का काम करना शुरू हो गए। मुझे एक बात बताएं, फैसल वाउडा ने क्वेश्चन किया कि मौलाना का काम था कि वो मदरसे बनाते, लोगों को कुरान सिखाते, उन्होंने डंडे पकड़ा दिए कि लो जी पुलिस को मारे, लोगों को मारे डंडे। और फैसल वाउडा ने कहा कि हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम चाहते हैं कि COVID-19 की सिचुएशन है, इससे हम किसी तरह से निकल जाए, बेशक मुखालिफ जमातों के जलसे हैं, ये इन लोगों की जिम्मेदारी है कि ये लोगों को बचाएं ताकि COVID-19 ज्यादा पाकिस्तान के अंदर ना फैले, जिसका प्रॉब्लम पूरे पाकिस्तान को होगा। और दूसरा, हम ये नहीं चाहते कि कोई मॉडल टाउन जैसा किस्सा हो, क्योंकि मौलाना कैपेबल हैं इस काम के लिए कि वो अपने बंदे मरवा सकते हैं अपने इंतजार की खातिर। और ये खुद कहते हैं कि जब हम गवर्नमेंट से बात करेंगे तो फिर देखेंगे गवर्नमेंट क्या कहती है। फैसल वाउडा ने मजीद कहा कि हम अपोजिशन से कोई बात नहीं करेंगे। काशिफ अब्बासी ने सवाल किया, इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि हम इनसे बात करने के लिए तैयार हैं मगर आप कह रहे हैं कि बात नहीं करनी। फैसल वाउडा ने यह जवाब दिया कि अगर ये NRO के बगैर बात करते हैं तो हम बात करने को तैयार हैं। इन्होंने जो हमें डिमांड दी है उसकी पहली 10 शिकें ही ये हैं, उसके अंदर नवाज शरीफ और इनके सारे अपोजिशन के केसेस हैं कि वो केसेस माफ कर दिए जाएं और ये आगे बात चले। अगर ये लेके आते हैं तो इनसे कोई बात नहीं होगी, अगर ये NRO के बगैर बात करना चाहते हैं तो इनसे बात हो सकती है। सो व्यूअर, इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।